हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर द नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन दी बायो वर्ल्ड। हम लोगों ने वीडियो नंबर 10 पढ़ा हुआ था। हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर चालू किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, और वेरी डिफिकल्ट चैप्टर का वेरी डिफिकल्ट टॉपिक कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। आखिरी वीडियो मतलब वीडियो नंबर 10, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वीडियो नंबर 11। और हम लोग ने वीडियो नंबर 10 में क्या बात किया था, वीडियो नंबर 10 में हम लोगों ने बात किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, क्या मोड होता है, डीएनए का फंक्शंस क्या है और स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोगों ने स्टेप्स दिए थे, उसमें से जो सबसे पहला स्टेप था वो फर्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट क्यों होना है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिवेशन होने के बाद उस न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या है, ड्यूअल फंक्शन है, वो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बात किया। आई होप आप वो वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, लिखने के बाद ही इसी वीडियो पे आप आए हैं। अगर नहीं आए हैं दोबारा जाइए, प्लीज यहाँ से आप चले जाइए, पहले आप वीडियो नंबर 10 कंप्लीट कीजिए। ऑलवेज लर्न इन सिक्वेंस, अगर आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ की चीजें वीडियो नंबर 1 में है, यहाँ की चीजें वीडियो नंबर 2 में है, अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो पे आ गए हैं तो आपको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यस सर, याद रखना। तो हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। दिस इज माय सेकंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑरिजिन। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑरिजिन क्या होता है। आप फिजिक्स पढ़ने वाले, मैथ्स पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हो तो आप सभी को पता ही होगा कि ऑरिजिन क्या होता है। यस सर, सो ऑरिजिन क्या होता है जरा देख लो। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम ओ बोलते हैं, और ओ को ब्रैकेट में हम 0/0 से डिफाइन करते हैं। यस सर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आई थिंक ग्रीन में ज्यादा ठीक नहीं है, ये ब्लैक कलर का ये जो पॉइंट है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बायोलॉजी में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या लाइफ में हम इसको ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन वो पॉइंट कहलाता है। बोलो ना, मेरे साथ बोलो ना। ऑरिजिन वो पॉइंट कहलाता है, डीएनए के ऊपर पाया जाता है, ये वो पॉइंट कहलाता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरुआत हो जाता है। यस सर, ऑरिजिन वो पॉइंट कहलाता है जो डीएनए के ऊपर पाया जाता है, और उसी पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वहीं से होता है। आई थिंक दिस मच कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ऑरिजिन एग्जैक्टली होता क्या है। यस सर, सो डेफिनेशन लिखते हैं और फिर डेमोन्स्ट्रेशन और फिजिक्स मैथ्स मिक्स करते हैं। यस सर, सबसे पहले डेफिनेशन। नंबर वन पॉइंट, what is origin? Origin is the point from where DNA replication will begin. Origin is a point on DNA. Origin is a point on DNA from where DNA replication will begin. DNA replication will begin. DNA replication will begin. DNA replication की यहां पे शुरुआत होगी। Yes sir, DNA replication यहां से शुरू होगा, और इसी origin point को, इसको हम लोग बोलते हैं what we call it? We call it as a origin of replication. ये जो सीक्वेंस है, ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिना समझे आप इसको ना यहां से जाइए। सपोज ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड हाईली कॉइल्ड हाईली ट्विस्टेड सुपर कॉइल्ड डीएनए। सपोज ये प्रोकैरियोटिक का डीएनए, आप इसको ध्यान से देखते रहिए, दिस इज अ डीएनए ऑफ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यस सर, सो डीएनए रेप्लिकेशन, इसका हमको डीएनए रेप्लिकेशन करना है। सपोज ये बाइनरी फिशन के बारे में सोच रहा है। हेलो, कैन यू थिंकिंग अबाउट द बाइनरी फिशन? यस, ये बाइनरी फिशन के बारे में सोच रहा है। तो बाइनरी फिशन होने के बाद होते वक्त इसको डबल डीएनए बनाना होगा, मतलब एक डीएनए एक बैक्टीरिया में जाएगा, दूसरा डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा। यस सर, फॉर एग्जांपल आपका यूकैरियोटिक सेल भी, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम भी अगर रेप्लिकेट करेगा तो उसको भी दो सेल चाहिए, है ना। अगर इसको रेप्लिकेट करना है तो ये कहां से रेप्लिकेट होगा, मैंने इसको पूछा कि तू कहां से रेप्लिकेट होगा,
तो जहां से भी रेप्लिकेट होगा उसी पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन वो पॉइंट कहलाता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरुआत, आगाज, इनिशिएशन, बिगनिंग, स्टार्टिंग हो जाता है। तो हम लोग सपोज ना, हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहां से ब्लैक कलर से करते हैं। यस, कौन से कलर से करते हैं? ब्लैक कलर से। सपोज आई होप आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर है ना। दो पॉइंट हो गया क्या? एक ही पॉइंट को हमको करना है। सपोज आप इसको समझ लीजिए कि मैंने ये ब्लैक डॉट बनाया हुआ है। ये जो ब्लैक डॉट है ये इस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक ही बार रहता है हमेशा। यस, क्यों एक बार रहता है वो हम बात करेंगे। लेकिन ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक डॉट है, ये वो पॉइंट कहलाता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यस सर। इसको एक हम जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। जीन का नाम है ओ आर आई। तीनों अल्फाबेट है, वो स्मॉल अल्फाबेट रहेंगे, ओ आर आई। और ई कोलाई में हम इसको ओ आर आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ ई कोलाई, मतलब इश्चरिष्या कोलाई, ये सारी बातें कहां पे मेंशन की हुई है? ये सारी बातें दो बुक के रेफरेंस में यूज की गई है। ये बुक रेफरेंस है जिसको हम बोलते हैं बेंजामिन पियर्स, और यहाँ पे ये बातें मेंशन की गई है। और सेम चीजें जो भी बच्चा जेनेटिक पढ़ता है बीएससी एमएससी में, वो इस बुक को सबसे ज्यादा पसंद करता है। आई जेनेटिक बाय पीटर रसेल, दिस इज वन अदर बुक, बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक फॉर द जेनेटिक। आई डोंट टीच जेनेटिक विदाउट रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक। एवरी ईयर कंटिन्यूसली आई रीड दिस, एंड दिस इज माई फेवरेट बुक। इट इज सो फेवरेट दैट जब हम मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहे थे तो हमको ये बुक रिफर करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने ये बुक ही खरीद लिया था। सो वी हैड अ ग्रुप ऑफ पीपल, सभी के पास ये बुक ओरिजिनल कॉपी में, हर एक सब्जेक्ट की बुक ओरिजिनल कॉपी में। दे आर सो कॉस्टली, 14,000-13,000 वॉट एवर इज देयर कॉस्ट। वी हैव ब्रॉट इट इन बैक 2006। यस सर। सो वहां पे ऐसा मेंशन किया हुआ है, ये जो जीन होता है ई कोलाई में, कौन सा जीन? ये वो सीक्वेंस है, वो जो पॉइंट है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो ई कोलाई में ओरिजिन होता है ये 245 बेस पेयर का होता है। कितने बेस पेयर का होता है? 245 बेस पेयर का ये सीक्वेंस होता है। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सो फार हमने क्या बताया? हमने डेफिनेशन बताया, ओरिजिन इज अ पॉइंट ऑन डीएनए from where DNA replication will begin. Oh my God, how important is this word? Begin. It is so important, this word, begin. यहाँ पे शुरुआत होती है, origin of life. X axis और Y axis में सब कुछ इसी O से शुरुआत होता है। इसी को हम बोलते हैं origin. Zero by zero. Everything start from zero. Yes sir. From nothing you get everything. Yes sir. है ना, पैदा हुए तो क्या लाए थे? नथिंग। आज आपके पास क्या है? बहुत कुछ है, बायोलॉजी है आपके पास, यू हैव एवरीथिंग। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको अब तक ये पता चल गया है कि ओरिजिन होता क्या है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। ई कोलाई में ओरिजिन क्या है? ई कोलाई में ओ आर आई सी को ही ओरिजिन बोलते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, ई कोलाई में इसकी साइज कितनी होती है, इसका लेंथ कितना होता है? ये 245 बेस पेयर की लेंथ का होता है, मेंशन इन द बोथ द रेफरेंस बुक, जो आपको बता दिया गया। अब हमारा अगला सवाल क्या है? अब हमारा अगला सवाल ये है कि ओरिजिन अगर नहीं रहा, ओरिजिन मुझे ये बताना है कि ओरिजिन इज एसेंशियल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। अगर कोई डीएनए आता है, उसके पास ओरिजिन नहीं आता है, बट उसके पास ओरिजिन नहीं होता है, तो वो डीएनए कभी भी जिंदगी में कुछ भी कर लो रेप्लिकेट नहीं होगा। यस सर। सो ओ आर आई, तीनों स्मॉल अल्फाबेट है, ओ आर आई इज एसेंशियल, essential for DNA replication। नंबर वन पॉइंट है, इसी के पॉइंट के अंदर लिखना है कि
नो डीएनए कैन रेप्लिकेट वे विदाउट ओ आर आई सिक्वेंस जब तक किसी भी डीएनए में नहीं रहेगा, वो डीएनए अपने जिंदगी में कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। ये जो नंबर पॉइंट टू है, ये जो मैंने पॉइंट नंबर टू बताया हुआ है, ये पॉइंट टू यूनिट नंबर नाइन में इसका एप्लीकेशन आएगा जब आप वेक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे ये जो सेकंड पॉइंट है इसका एप्लीकेशन होगा। अगर कोई प्रिंसिपल पढ़ता है तो उसको मॉलिक्यूल समझ में आता है, कोई मॉलिक्यूल समझता है तो उसको बायोटेक समझ में आता है, और जब ये चारों चैप्टर समझ में आ जाते हैं तो वक्त आ जाता है कि आपको इवोल्यूशन समझे। अगर ये चेन किसी भी रीजन से 30% कम से कम आपको 70% समझना है, अगर 70% से अगर ये कम समझता है तो आपको इवोल्यूशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यस, ये भी गो। तो हमने डेफिनेशन सीख लिया, हमने इकोलाई के ऑरिजिन के बारे में भी सीख लिया। अब हमको ये सीखना है कि ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये प्रोकैरियोटिक में कितना होता है और ये यूकैरियोटिक में कितना होता है। ऐसा बोला जाता है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में या प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में और वायरल क्रोमोसोम में या वायरल डीएनए में ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये सिंगल होता है। कितना होता है? एक होता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, इन केस ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी मल्टीपल। ये मल्टीपल होता है। जरा इस फैक्ट को समझते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ई कोलाई में सिंगल और ह्यूमन में या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में मल्टीपल ऑरिजिन क्यों होता है। सो इन प्रोकैरियोटिक In prokaryotes, there are single word is very important, single origin, while in eukaryotes, or for example human being, there are multiple origin present। आप सबका सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है कि प्रोकैरियोटिक में कहां गया ये प्रोकैरियोटिक पर्टिकुलर, देयर इज अ सिंगल प्रोकैरियोटिक में सिंगल बट देयर आर मल्टीपल। यस सर, एल यहां से गायब हो गया है, एल टी मल्टीपल ऑरिजिन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। ऐसा क्यों है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ब्लू कलर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ई कोलाई होता है जिसका एग्जांपल है ई कोलाई, सॉरी ये जो प्रोकैरियोटिक होता है जिसका एग्जांपल है ई कोलाई, इसके पास आई थिंक 4.6×10^6 बेस पेयर का डीएनए होता है, इतना बेस पेयर रहता है। यस सर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ग्रीन अंडरलाइन भी कर लेते हैं। ये जो यूकैरियोटिक होता है जिसके पास हर पल मल्टीपल ऑरिजिन प्रेजेंट होता है, तो यूकैरियोटिक में डीएनए 6.6×10^9 आपको समझता है, मैं समझाता है आप समझो। ये जो प्रोकैरियोटिक है इसमें मिलियन में डीएनए रहता है, कितना रहता है मिलियन में भी बहुत बड़ा होगा। यस सर, मिलियन, 10^6 को हमेशा मिलियन बोलते हैं, हमेशा याद रखना, लेकिन 10^9 को हमेशा बिलियन बोलते हैं, ये भी हमेशा याद रखना। मुझे ऐसा लगता है कि मिलियन बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मिलियन के सामने बिलियन आता है तो मिलियन छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया और वायरस का जो मैंने वायरस यहाँ पे लिखा नहीं, आप मेंशन कर दो, इन प्रोकैरियोटिक एंड द वायरल डीएनए में एक ही ऑरिजिन होता है और एक ऑरिजिन सफिशियंट रहता है डीएनए रेप्लिकेशन को
वक्त पे खत्म करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक में डीएनए की जो क्वांटिटी होती है, नाइट्रोजन बेस की जो क्वांटिटी होती है, वो बिलियन में पाई जाती है। बिलियन मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, और इतना सारा जो ह्यूज नंबर है, तो इस ह्यूज नंबर का डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो ज्यादा ऑरिजिन की जरूरत पड़ेगी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, सपोज आपके पापा ने एक अपने दूसरे फ्रेंड को फैमिली के साथ इनवाइट किया हुआ है डिनर पे, है ना। तो आपके पापा के फ्रेंड है, उनकी पूरी फैमिली में चार लोग हैं, है ना, और वो चार लोग इनवाइटेड है आपके घर पे डिनर के लिए बाय योर फादर, इज दैट क्लियर। तो आपकी मम्मी उनके लिए क्या बनाएंगी, खाना बनाएंगी। तो आपकी मम्मी खाना बनाएंगी, और आपके पास घर है, आपके घर में कितना किचन है, अरे एक घर में एक ही किचन होता है, मैंने ऐसा सुना है ना। तो आपके घर में एक किचन है, और एक किचन में ही एक फैमिली का खाना बन सकता है, एक एक्स्ट्रा फैमिली का खाना बन सकता है जो आज इनवाइटेड है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, नेक्स्ट एग्जांपल, यस सर, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपके पापा ने, यस सर, हंड्रेड्स ऑफ फैमिली को इनवाइट किया हुआ है, सपोज 10 फैमिलीज को इनवाइट किया है, तो वो उस एक किचन में खाना बन सकता है क्या? मल्टीपल किचन्स आर रिक्वायर्ड, मल्टीपल किचन्स आर रिक्वायर्ड, ताकि 8 PM तक सही वक्त पे डिनर एप्लीकेट हो सके, सॉरी सही वक्त पे 8 PM तक खाना बन सके, डिनर बन सके। एक किचन में भी 10 लोगों का खाना बन सकता है या 100 लोगों का खाना बन सकता है, एक किचन में भी बन सकता है, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। हाँ बोलो। सो ई कोलाई में डीएनए की क्वांटिटी कम होती है, तो अगर एक ऑरिजिन रहेगा तो वहां से भी, एक ऑरिजिन से भी डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू हुआ तो वो टाइम पे खत्म हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए का अमाउंट ना बिलियन में है भाई, बिलियन में है, तो एक ऑरिजिन से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल किचन की जरूरत होगी, मल्टीपल ऑरिजिन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगा, आप इसको देख लीजिए। यस सर, ये बेंजामिन से है, मेरी फेवरेट बुक। यस सर, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को। यस सर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑरिजिन 1, ऑरिजिन 2, ऑरिजिन 3। आप देख सकते हैं 3 ऑरिजिन इसी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, मल्टीपल ऑरिजिन है, और मल्टीपल ऑरिजिन से रेड कलर का डॉटर डीएनए यहाँ पे बनना चालू हो रहा है। यस सर, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। सो देयर आर मल्टीपल ऑरिजिन्स होते हैं यूकैरियोटिक में, और एक ही ऑरिजिन होता है वायरल डीएनए में या प्रोकैरियोटिक डीएनए में। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से मैं तो बता नहीं सकता। आई थिंक दिस पॉइंट इज टेकन बाय यू, है ना। जिंदगी की राहों में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स के बारे में फोकस करते हैं, ऑरिजिन के बारे में। अब तक आपको पता चल गया है कि ऑरिजिन होता क्या है, और ऑरिजिन का इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया है, लेकिन यही ऑरिजिन ये पता कैसे चलता है, है ना। जैसे मैंने ये डीएनए समझाया था आपको, है ना, ये डीएनए, इस डीएनए में ये जो ब्लैक कलर का जो अलाइनमेंट है, यही ऑरिजिन है, दिस इज द ऑरिजिन। ये पता कैसे चलता है? देयर आर सम प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, या प्रोकैरियोटिक में प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नंबर 3 के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं नंबर 4 पॉइंट के बारे में, इनिशिएटर प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम इसको? इनिशिएटर प्रोटीन। इनिशिएटर प्रोटीन वो प्रोटीन कहलाता है जो ऑरिजिन को रिकॉग्नाइज कर जाता है। सो ये रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज ऑरिजिन, ये ऑरिजिन को रिकॉग्नाइज करता है। यस सर, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑरिजिन, ये हमारा एक्सपेरिमेंट का, हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के सेकेंड स्टेप का टाइटल है, टाइटल। बोला इनिशिएटर प्रोटीन वो प्रोटीन कहलाता है जो रिकॉग्नाइज द ऑरिजिन, और वंस ऑरिजिन इज रिकॉग्नाइज, वंस ऑरिजिन रिकॉग्नाइज, अब ये इनवाइट करेगा, कौन इनवाइट करेगा? ये इनिशिएटर प्रोटीन विल इनवाइट किसको इनवाइट करेगा? हेलिकेज एंजाइम को। किसको इनवाइट करेगा?
किस एंजाइम को इनवाइट करेगा और आगे का जो स्टेप है हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम को इनवाइट करेगा यस सर, सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करेगा और उसमें थोड़ा सा डीएनए को सेपरेट करेगा, जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है एक दूसरे से, तो उनको सेपरेट करेगा, थोड़ा सा सेपरेट करेगा और इनवाइट करेगा हेलिकेज को। हेलिकेज के बारे में आप नेक्स्ट स्टेप में फोकस करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप का नाम है अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। लेकिन फिलहाल इस स्टेप में और भी क्या बाकी है, आपको ये समझना है कि नंबर 5 पॉइंट आपको ये समझना है कि एक ओरिजिन का मतलब होता है एक रेप्लिकेटिंग यूनिट, वन ओरिजिन इज इक्विवेलेंट टू वन रेप्लिकेटिंग यूनिट, वन रेप्लिकेटिंग यूनिट। एक ओरिजिन मतलब एक रेप्लिकेटिंग यूनिट, यस सर। और एक रेप्लिकेटिंग यूनिट को हम डिफाइन करते हैं रेप्लिकॉन, क्या बोलते हैं हम इसको, रेप्लिकॉन्स। तो अगर नीट आपको पूछा, आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना बहुत सारे ऑन है, जैसे सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन, रेप्लिकॉन, यह सब बहुत सारे ऑन है, ओपरॉन, दे आर सो मेनी ऑन वर्ड से एंड होते वाले सफिक्स है जो ऑन से एंड होते, दे आर सो मेनी ऑन जो मैं बता ही नहीं पा रहा हूं पूरा। यस सर, ये पहला ऑन अभी तक आपने सिलेबस में सीखा है जिसका नाम है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन क्या है, इट इज अ वन रेप्लिकेटिंग यूनिट। किस वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ वन ऑरिजिन इक्विवेलेंट टू वन रेप्लिकेटिंग यूनिट, और वन रेप्लिकेटिंग यूनिट को वन रेप्लिकॉन बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो रेप्लिकॉन्स है वो प्रोकैरियोटिक में सिंगल रेप्लिकॉन बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है ना इसमें। अरे आपको समझ में आना चाहिए, प्रोकैरियोटिक में एक ही ऑरिजिन होता है ना, बोलो हाँ, प्रोकैरियोटिक में एक ही ऑरिजिन होता है, तो रेप्लिकॉन भी कितना रहेगा, एक रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकॉन दे विल बी मल्टीपल रेप्लिकॉन्स। मैंने आपको फिगर दिखाया था ना, अभी फिगर आपने देखा था ना, छोटे से डीएनए में 3 रेप्लिकॉन थे। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मैंने रेप्लिकॉन पढ़ा दिया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कितने रेप्लिकॉन होते हैं या कितने ऑरिजिन होते हैं मैंने बताया, मैंने आपको रीजन भी बताया, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट जो रेफरेंस से लिया गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएटर प्रोटीन मैंने बताया, दिस इज स्टार मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई थिंक दिस मच पार्ट इज ओवर, और आपको आई होप ये टॉपिक समझ में आया। ये स्टेप नंबर 2 है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 2 का नाम क्या कहलाता, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन विल बिगिन, यस। और इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ORIC के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जीन का नाम है ये, ई कोलाई में पाया जाता है, 245 बेस पेयर का होता है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनिशिएटर प्रोटीन आएगा, इनिशियल प्रोटीन इन्वाइट करेगा हेलिकेज को। हेलिकेज के बारे में अभी हम थर्ड स्टेप में बात करेंगे, अभी बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक में सिंगल ऑरिजिन मतलब सिंगल रेप्लिकॉन, यूकैरियोटिक में मल्टीपल ऑरिजिन मतलब मल्टीपल रेप्लिकॉन। आई थिंक रेप्लिकॉन क्या है, रेप्लिकॉन इज अ वन रेप्लिकेटिंग यूनिट। सुपर कूल, आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, अब हम लोग जा रहे हैं बात करने थर्ड स्टेप के बारे में। आपने सेकेंड स्टेप में सीखा हुआ था कि इनिशिएटर प्रोटीन विल बाइंड विद द ORI साइट, मतलब ऑरिजिन के साइट पे बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद वो इनवाइट करेगा हेलिकेज एंजाइम को ताकि वो अनवाइंडिंग कर सके। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली अनवाइंडिंग का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए देख पा रहे हैं, यस सर, वन स्ट्रैंड ब्लू कलर में है और सेकेंड स्ट्रैंड यहाँ पे ग्रीन कलर में है। अनवाइंडिंग का मतलब ये होता है कि ये दोनों डीएनए के बीच में स्पेस क्रिएट करना। अब स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। स्पेस क्रिएट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होंगे तभी तो उनके बीच में डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे और तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन हो पाएगा। अगर कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो एक दूसरे से कॉइल्ड है, बिल्कुल इस तरीके से, अगर वो कॉइल्ड है, यस सर, इस तरीके से, अगर वो बिल्कुल कॉइल्ड स्टेज में है इस तरीके से, तो इनके बीच में कोई डीएनए बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है।
हम लोग कौन से मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन साइंटिफिकली प्रूवन है। और सेमी कंजर्वेटिव बोलता है कि डीएनए इज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड, जब डीएनए रेप्लिकेशन होना होगा तो ये जो डीएनए के जो दो स्टैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे, तो इनको मुझे सेपरेट करना होगा ताकि उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो, और स्पेस आएगा तो ही तो नया डीएनए बन पाएगा। क्लियर है? वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है। अनवाइंडिंग का मतलब ये होता है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो दोनों स्टैंड है उनके बीच में स्पेस क्रिएट करना ताकि डॉटर डीएनए का सिंथेसिस हो सके। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एब्सोल्युटली टेकन, और आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आया है ना। अब हम लोग ये बात करते हैं कि हेलिकेस का जो एक्शन है, ये जो अनवाइंडिंग है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, तो इसमें हमने दो स्टेप को साथ में मर्ज किया हुआ है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। आई थिंक आपने फिजिक्स में सीखा होगा फॉर्क एक्सपेरिमेंट, या आगे आने वाले चैप्टर में ऑसिलेशन में स्टेशनरी वेव में आप फॉर्क एक्सपेरिमेंट आप जरूर सीखेंगे। तो ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए है ये तीन प्रोटीन के वजह से होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्टेप नंबर 3 के बारे में। जो सबसे पहला प्रोटीन है जो अनवाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं हेलिकेज। तो सबसे पहले हम हेलिकेज का फंक्शन सीखेंगे, देन देयर इज अ सेकेंड प्रोटीन जिसको हम हमेशा बोलते हैं एसएसबीपी। एसएसबीपी का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। डिटेल में हम यहां पे सीखेंगे, फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कौन कौन से तीन प्रोटीन के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से वो तीन प्रोटीन है जो अनवाइंडिंग के स्टेप में प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सो जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं टोपो आइसोमरेज। यस सर। तो ये जो तीन प्रोटीन है इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर स्टेप में लेडीज एंड जेंटलमैन पढ़ने जा रहे हैं। यस सर, ऑल द बेस्ट। हजम करना बहुत डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट टॉपिक है, आप अपना फोकस बनाए रखेंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना फोकस को बनाए रखने के लिए। Here we go, ladies and gentlemen. तो हम लोग चलो बात करते हैं इस समय सबसे पहले स्टेप्स के बारे में, और हम लोग यहां से बात करना चालू करते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में। इज दैट क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला स्टेप है हेलिकेज, और हेलिकेज एग्जैक्टली क्या करेगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो हेलिकेज एंजाइम है, इस एंजाइम का जो दूसरा नाम है इसको हम अनवाइंडेज भी बोलते हैं। अनवाइंडेज, आप समझ पा रहे हैं? अनवाइंडेज का मतलब होता है इसका नाम इसका काम बताता, डीएनए को अनवाइंड कर जाता, इसलिए ये तो दुनिया इसको अनवाइंडेज कह जाता। वेरी नाइस। अब आपको ये समझना है एग्जैक्टली कि ये जो अनवाइंडेज है या हेलिकेज है इसका एक्शन क्या होता है। आपको ये समझना होगा कि ये एटीपी को यूज करता है, इट यूजेस द एटीपी। बिना एटीपी के यूज किए ये जो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है या प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग है ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अनवाइंडेज एग्जैक्टली ये एंजाइम करेगा क्या, ये एंजाइम एक्ट ऑन द ओआरआई साइट, इट एक्ट ऑन ORI साइट, जहां पे कौन जुड़ा हुआ है, इनिशिएटर प्रोटीन जुड़ा हुआ है, और उसी इनिशिएटर प्रोटीन ने किसको इनवाइट किया हुआ है, हेलिकेज को इनवाइट किया है। पहले तो वो एक्ट ऑन द ORI साइट, उस पे बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद वहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू डीएनए, ये जो दोनों डीएनए स्टैंड होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात पता है, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, सब जगह हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ए पेयर विद टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी पेयर विद सी बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि ये एरिया है वो ओरिजिन का है। यस, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो सीक्वेंस 245 बेस पेयर से बना होता है। अगर वो सीक्वेंस ना हो तो उस डीएनए का
रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है, मतलब ये ORI सीक्वेंस या ORI एरिया, ये एरिया वो एरिया है जो DNA रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल है। लेडीज इंक्रीमेंट एग्जैक्टली होगा क्या? अब यहाँ पे जो हेलिकेज एंजाइम आएगा, इट एक्ट ऑन द ORI और ये अनवाइंडिंग करेगा बाय डिस्ट्रॉइंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इट विल डिस्ट्रॉय का मतलब होता है इट विल ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। यस सर, क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये ब्रेक करेगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब कैसे ब्रेक करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि ये ATP को यूज करेगा। ATP बेस्ड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा ये, और ATP को ब्रेक करके ये सेपरेट करेगा और फाइनली ये हम लोगों का DNA नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ DNA हमको मिलना चालू हो जाएगा। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर फिगर इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब आप ये फिगर को देख सकते हैं, ये वही डबल स्टैंडर्ड DNA है और ये ORI साइट है और यहाँ पे हेलिकेज है। यहाँ पे दो हेलिकेज वर्कआउट करेंगे, रेड कलर से मैं बता देता हूँ। एक हेलिकेज यहाँ पे वर्कआउट करेगा और एक हेलिकेज यहाँ पे वर्कआउट करेगा। यस सर, रेड कलर हु आर यू? दुनिया मुझको हेलिकेज कहती है, मैं ATP को यूज कर जाता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं ब्रेक कर जाता हूँ, अनवाइंडिंग के काम मैं देखो आता हूँ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यस सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड हेलिकेज। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिस एरिया पे ये ब्रेक करता है, वो जो एरिया होता है, मतलब ORI एरिया, ये हमेशा 80 रिच होता है। 80 रिच आप समझते हो? 80 रिच का मतलब ये होता है कि एडेनाइन थायमिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। आप थोड़ा गैस कर सकते हैं कि 80 रिच एरिया ज्यादा क्वांटिटी में क्यों पाया जाता है? आपको ये समझना है कि अगर GC एरिया पाया जाएगा तो G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और अगर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उनको ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा और उनको ब्रेक करने के लिए जो ATP यूज होगा वो भी कम यूज होगा। इसीलिए ये जो हेलिकेज होता है वो ORI के 80 रिच एरिया को रिकॉग्नाइज करता है और 80 रिच एरिया को रिकॉग्नाइज करने के बाद वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना चालू करता है। अब ब्रेक करने के बाद ये दो DNA सेपरेट हो गए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों DNA जो सेपरेट हुए हैं वो क्या वो सेपरेटेड स्ट्रक्चर में ही रहेंगे? क्या वो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे? मैंने आपको सवाल पूछा है कि ये जो सेपरेटेड DNA है, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ये एक दूसरे से सेपरेट तो हो गए, क्या वो ये हमेशा सेपरेटेड स्टेज में रहेंगे या ये किसी के साथ ये फिर से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे? तो आंसर इस सवाल का ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसका आंसर ये होगा कि वाई ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे फिर से, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड जो है DNA के, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ए पेयर विद टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी पेयर विद सी बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे से कंबाइन होकर डबल हेलिक्स बनाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि वो फिर से कंबाइन हो जाए? यस, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो फिर से कंबाइन हो जाए। क्यों नहीं हम चाहते ऐसा? क्योंकि इनके बीच में ये जो स्पेस बना हुआ है, इसी स्पेस में तो DNA सिंथेसिस होने वाला है, डॉटर DNA बनने वाला है। तो ये स्पेस में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा ऊपर के डायग्राम की तरह, ये डायग्राम की तरह, तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब यहाँ पे रोल होता है दूसरे प्रोटीन का,
ये हमने फर्स्ट रोल बता दिया है आपको हेलिकेज का. हेलिकेज एंजाइम आएगा, दुनिया इसको अनवाइंडेज कह जाएगा, एटीपी यूज करके ये ऑलाई साइड पे वर्क कर जाएगा. वहां पे एटी रिच एरिया है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, डीएनए को सेपरेट करेगा. ये सेपरेटेड स्टैंड एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे. क्या एंजाइम सब्सट्रेट के बगैर रह पाया है? नहीं. क्या हार्मोन रिसेप्टर के बगैर रह पाया है? नहीं. यस सर. क्या एंटीजन एंटीबॉडी के बगैर रह सकता है? नहीं. और ये भी नहीं. तो ये दोनों स्टैंड भी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा. तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनना चाहिए. तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं. वी गोना टॉक अबाउट द सेकेंड स्ट्रक्चर. उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. What we call it as a single strand binding protein. इसको हम बोलते हैं SSBP. What we call it as a SSBP, single strand binding protein के नाम से हम इसको जानते हैं. Single strand binding protein के नाम से हम इसको जानते हैं. इस particular protein को हम helix stabilizing protein भी कहते हैं. तो इसका दूसरा नाम है helix stabilizing protein के नाम से भी हम इसको जानते हैं. अब हमको ये समझना है कि helix stabilizing protein exactly करता क्या है. हमारे इस particular diagram में helix stabilizing protein जो है वो orange color में दिखाई दे रहा है. Yes sir. Helix stabilizing protein क्या है? ये वो protein है जो इस single stranded DNA को जुड़ जाएगा. और जब हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंड, देखो ना इसका नाम ही है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. इसका नाम, इसका काम बताता है ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को बाइंड हो जाता है. इसलिए तो दुनिया इसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन देखो कह जाता है. कम ऑन. तो आपको समझ में आ गया है ये जो प्रोटीन हमने लिखा हुआ है ये SSBP प्रोटीन है. इसका काम क्या होता है? इट बाइंड विद द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए. सो SSBP बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड हेल्प इन स्टेबिलाइजिंग इट. ये उसको स्टेबिलाइज कर देता है. आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर है ना? पक्का? आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया. अब हम सबसे डिफिकल्ट पार्ट पे फोकस करने वाले हैं और जो है तीसरा फंक्शन, दैट इज द थर्ड एक्शन. तो हमने अभी SSBP भी आपको बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आया. अब हम लोग तीसरे एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और वो जो तीसरा एक्शन है उसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज. वी कॉल इट एज अ टोपोआइसोमरेज. ये जो एंजाइम है जिसको हम टोपोआइसोमरेज बोलते हैं, इस टोपोआइसोमरेज एंजाइम को हम डीएनए गायरेज भी बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में. डीएनए गायरेज भी हम इसको बोल सकते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक में हम इसको टोपोआइसोमरेज बोलते हैं. यस सर. वेरी नाइस. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या है. आप को थोड़ी डिफिकल्टी होगी इस पॉइंट को समझने के लिए, बट आप कोशिश कीजिए. कोशिश करने वालों की हमेशा जीत ही होती है. जीत के अलावा कुछ नहीं होती है. इधर बढ़ो. देखो प्यारे बच्चों, आप ऐसा सपोज कीजिए कि ये मेरे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. यस सर. ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. पक्का? अगर मैंने इनको ORI साइट को यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया तो एक एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होता है. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ऑसिलेशन चैप्टर में कि धागे में जो भी फोर्स होता है, थ्रेड में जो भी फोर्स होता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? धागे में जो भी फोर्स होता है, थ्रेड में जो भी फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं टॉर्क. क्या बोलते हैं? TORQUE, that is nothing but the torque. हम उसको torque बोलते हैं.
अब आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि सपोज ये हम लोगों का डीएनए है, यस सर, इज दैट क्लियर? दिस इज आवर डीएनए, है ना? और अगर हम इस एरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते, इस एरिया में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं और SSB प्रोटीन बाइंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बाइंड किया हुआ है, तो ये जो धागा है ना, ये इसमें ना टेंशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? टेंशन। वो टेंशन को रिलीव करना है। जैसे अगर मैंने ये यहाँ अगर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, सपोज ये एरिया को मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये जो ब्लू वाला एरिया है वो ऐसे हो जाएगा और ये ग्रीन वाला एरिया कुछ ओपन होके ऐसे हो जाएगा, इज दैट क्लियर? अब यहां पे ना ये जो दिस पर्टिकुलर एरिया, लेट मी यूज द ब्लैक कलर, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो एरिया है इसको हम अनकॉइल पार्ट बोलते हैं, अनकॉइल पार्ट ऑफ डीएनए, यस सर। यहां पे देयर इज अ एक्सेस कॉइलिंग, देयर इज अ एक्स्ट्रा कॉइल्स आर प्रेजेंट। ये एक्स्ट्रा कॉइल क्यों आए हैं, कैसे ये एक्स्ट्रा कॉइल डेवलप हुआ है? ये एक्स्ट्रा कॉइल इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां पे ब्रेक किया हुआ है, हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया हुआ है, तो यहां पे ये पर्टिकुलर एरिया में एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो गया है। क्या डेवलप हो गया है? एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो गया है, यस सर। आई जस्ट राइट हियर टेंशन, क्या लिख दिया हमने यहां पे? एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो गया। अब वो टेंशन को हम रिलीव कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो टेंशन को रिलीव करने के लिए, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है जो मेरे बताने के बाद इसी स्क्रीन पे आपके सामने आएगा, और आप पहले कोशिश कीजिए, आप अपना इमेजिनेशन डेवलप करके इसको सीखने की कोशिश कीजिए, यस सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अनवाइंडिंग क्रिएट टेंशन इन द अनकॉइल्ड पार्ट, मैं लिखता हूं यहां पे अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग क्रिएट क्रिएट्स टेंशन, अनवाइंडिंग क्रिएट टेंशन इन द अनकॉइल्ड पार्ट, इन अनकॉइल्ड पार्ट, अनकॉइल्ड पार्ट पे टेंशन क्रिएट करता है, इट गोइंग टू क्रिएट टेंशन इन द अनकॉइल्ड पार्ट, यस सर। और इस वजह से ये एक्स्ट्रा टेंशन जो होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा टेंशन, यहाँ पे टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क फिजिक्स में धागे में जो भी फोर्स होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पे ये जो एरिया होता है वो सुपर कॉइल हो जाता है, पक्का। तो अब हमको इस पर्टिकुलर टेंशन को रिलीज करना है, यस सर। टोपो आइसोमर वो एंजाइम कहलाता है, टोपो आइसोमर वो एंजाइम कहलाता है जो ये जो एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हुआ है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। सो दिस टेंशन कैन बी रिलीज बाय टोपो आइसोमरेज। किसके वजह से ये मैनेज हो जाएगा? टोपो आइसोमरेज एंजाइम की वजह से ये मैनेज हो जाएगा। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, आपको समझ में आ गया। अनवाइंडिंग क्रिएट टेंशन इन द अनकॉइल्ड पार्ट, दिस टेंशन कैन बी रिलीज्ड बाय टोपो आइसोमरेज एंजाइम, सुपर, वेरी नाइस, यस सर। अब बच्चों को ये सवाल होता है कि ये टेंशन ये रिलीव कैसे करता है? टेंशन रिलीव करता है, टेंशन डेवलप होता है, ये आपको पहले समझना है कि टेंशन डेवलप होता है कि नहीं होता है। अगर कोई भी चीज कॉइल पार्ट है, आप धागा ऐसा कॉइल करो और उसको सेपरेट करो, तो आपको धागे के दोनों साइड में एक्स्ट्रा सुपर कॉइल्ड एरिया बनता है और वो इस अनकॉइल्ड पार्ट पे टेंशन क्रिएट करता है। तो वो टेंशन को कैसा रिलीव करने का, रिलीव करेगा कौन? टोपो आइसोमरेज। कैसे करेगा वो बात मैं आपको अभी बताएगा, यस सर। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक ये नंबर 1 पॉइंट सीखा है, नंबर 2 पॉइंट सीखा है टोपो आइसोमरेज के बारे में। अब हम लोग थर्ड पॉइंट यहाँ पे सीखने वाले हैं, थर्ड पॉइंट। आई थिंक सिस्टमेटिकली है ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये स्पेस में हम लोग यूज करने वाले हैं।
पक्का? ओके, ये भी गो लेडीज जेंटलमैन. सबसे पहले रिलीव कैसे होता है, टेंशन रिलीव कैसे होता है? हमारा ये जो टोपो आइसोमेरेज है, ये किसी एक स्टैंड को ब्रेक करेगा. पक्का? यस सर. किसी एक स्टैंड को ब्रेक करेगा. आप सपोज कीजिए कि ये डीएनए है. यस सर. वैसे जब हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो हम दो बच्चों को यहाँ पे बुलाते हैं इसको समझाने के लिए. ये सपोज आपकी ये एक्स्ट्रा टेंशन है ना, इसको रिलीव करना है. तो कैसे करने का, ध्यान से समझिए, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक डीएनए स्टैंड को ब्रेक करते हैं. तीन स्टेप में टोपो आइसोमेरेज काम करता है. कितने स्टेप में? तीन स्टेप में. पहला स्टेप होता है ब्रेक, दूसरा स्टेप होता है टर्न, और तीसरा स्टेप होता है रीसील करना. ब्रेक एनी वन स्टैंड, टर्न अराउंड अनदर स्टैंड एंड रीसील. फिर से जोड़ना को हम रीसील बोलते हैं. यहां पे फोकस कीजिए, हम इस स्टैंड को ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे और इसको दूसरे स्टैंड के अराउंड घुमाएंगे. देखो ये ऊपर है इस समय, ये स्टैंड. आप ऐसा इमेजिन करो कि ये स्टैंड कंटिन्यूसली है ना. मैं सचमुच में ब्रेक नहीं कर सकता, तो मैंने ऑलरेडी एंड का पार्ट चुना हुआ है कि जो कि ब्रोकन है. तो ये ऊपर है, इसको हम ब्रेक करेंगे किसी एक स्टैंड को. यहां पे भी डीएनए है. ब्रेक एनी वन स्टैंड. फिर ये कॉइल है ना, ये ऊपर के तरफ है ना, तो हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे. टर्न अराउंड अनादर. यस सर. ये कैसे था? ऐसे था ना, ये ऐसे था, ऊपर था. ये देखिए, ये स्टैंड ऊपर है, इसको हमने ब्रेक किया. टर्न अराउंड अनादर स्टैंड, और फिर से इसको हम जोड़ दिए, रीसील किए. इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो अभी मेरे ये पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद इसी लेक्चर में आएगा. यस सर, डोंट वरी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. इनकेस आपको नहीं समझता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. यस सर. टोपो आइसोमरेज एक्शन. इसके एक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं. जब हम इसके एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो इसके तीन स्टेप होते हैं. ए स्टेप ब्रेक. ब्रेक किसको ब्रेक करने का? किसी एक डीएनए की स्टैंड को ब्रेक करने का. ब्रेक एनी वन स्ट्रैंड. ब्रेक एनी वन स्टैंड. टी का मतलब होता है टर्न. टर्न अराउंड अनादर स्टैंड. जो दूसरा स्टैंड है उसके चारों ओर टर्न मारो. टर्न अराउंड अनादर स्टैंड. देन सी स्टेप है रीसील. सो क्या हो गया? ब्रेक एनी वन स्टैंड, टर्न अराउंड अनादर स्टैंड एंड रीसील. रीसील का मतलब होता है रीज्वाइन करना, और रीज्वाइन करने से एक्स्ट्रा टेंशन कैन बी रिलीज्ड. रिलीज हो जाएगा. आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, और मैं आपको समझा पाया. यस सर. मैं आपको एक वीडियो के साथ छोड़ता हूं, और आप इस वीडियो को जरूर देखिए. और इसके देखने के बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इस पार्ट को एक बार फिर से सुने, आपको जरूर समझ में आएगा. इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेडीज जेंटलमैन. टेक केयर. हेलो एवरीबॉडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड और ब्लू डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. टोपो आइसोमेरेज का पहला फंक्शन है ब्रेक एनी वन स्टैंड. यहाँ पे ब्लू स्टैंड ब्रेक हुआ है. देन देयर विल बी टर्निंग अराउंड अनदर स्टैंड. रेड के चारों ओर घूमा और फिर से हमने ब्लू स्टैंड को ज्वाइन कर दिया रीसीली. थैंक यू. तो कैसा लगा आपको ये पर्टिकुलर वीडियो? आप हमेशा याद रखना, जब भी टोपो आइसोमेरेज के बारे में बात की जाएगी, आप तीन अल्फाबेट याद करना. बी फॉर ब्रेक, टी फॉर टर्न एंड आर फॉर रीसील. और इस पूरे टर्मिनोलॉजी को हम हमेशा बोलते हैं BTR.
यस सर। तो हमेशा याद रखना BTR, ब्रेक एनी वन स्टैंड, टर्न अराउंड अनदर स्टैंड एंड रिसीव। आई थिंक इस वीडियो में भी जो मैंने आपको दिखाया उसमें भी ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। इज दैट क्लियर? अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को थोड़ा कुछ सेकंड पहले जाके एक बार फिर से देख सकते हैं। ब्रेक एनी वन स्टैंड और दूसरे स्टैंड के टर्न अराउंड करना है और फिर से जोड़ देना है कॉल रिसीव। यस सर। तो हम लोगों का जो स्टेप है अनवाइंडिंग ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हो गया है। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, हम लोग आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हम लोग इस समय बात करने जा रहे हैं कि जब ये अनवाइंडिंग होती है, अनवाइंडिंग होते वक्त ये जो प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग है ये जब हो रहा है तो ये पूरे DNA का हो जाएगा क्या? तो मेरा सवाल है और नीट भी ये सवाल पूछता है, विल देयर बी कंप्लीट DNA विल बी सेपरेटेड? अनवाइंडिंग क्या पूरे DNA का होगा क्या? मेरा एक ऐसा सवाल है कि ड्यूरिंग द अनवाइंडिंग कंप्लीट जो पूरा DNA है, पूरा जो DNA है वो पूरे DNA का होगा एट अ सिंगल स्ट्रेच? एक बार में, एक सिंगल स्ट्रेच में कंप्लीट DNA सेपरेट होगा क्या? तो इसका जवाब है अब्सोल्युटली नो। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर पूरा DNA को हमको ब्रेक करके, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके एक एट अ सिंगल स्ट्रेच अपने को ब्रेक करके सेपरेट करना है तो इट इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी जो सेल के पास एट अ गिवन टाइम नहीं रहती है। इज दैट क्लियर? जैसे आपके सामने थाली आ गई, फूड की थाली आ गई, तो वो उस थाली में जितना भी फूड है क्या वो सब फूड आप खाते हो? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन क्या वो सारा फूड एक साथ आप खाते हो? तो इसका जवाब है नहीं। यस सर, इसका जवाब है नहीं। तो मैं यहां पे एक पॉइंट मेंशन करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, कि कंप्लीट DNA विल नॉट बी ओपन इन अ सिंगल स्ट्रेच। Complete DNA will not be open in a single stretch. ये single stretch में open नहीं होगा because it's a energy consuming process. Because it's a energy consuming, it's a energy consuming process. I think this point is superb. अब हम लोग इसी पर्टिकुलर स्टेप के अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? रेप्लिकेशन फॉर्क एग्जैक्टली क्या होता है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे आपको वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहां पे ओरिजिन है। ओरिजिन से दिस इज वन हेलिकेज, दिस इज अनदर हेलिकेज, दिस पर्टिकुलर रेड मॉलिक्यूल इज ऑल्सो हेलिकेज। अब ये दोनों हेलिकेज दोनों डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे। यस सर। एज दे विल प्रोसीड, जैसे ही हेलिकेज दोनों ही डायरेक्शन में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन दोनों ही डायरेक्शन में जब ये प्रोसीड करेगा, जब ये प्रोसीड करेगा दोनों ही डायरेक्शन में, तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। कैन यू सी दैट वाई शेप्ड स्ट्रक्चर? कैन यू सी ये वाई का आर्म है, वाई का स्टेम है और ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। कैन यू सी लाइक दिस स्ट्रक्चर वाई शेप? कैन यू सी हियर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर? ये जो स्ट्रक्चर है वाई शेप्ड। नाउ इट इज क्लियर, दिस इज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज अनादर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको डिफाइन करेंगे द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, पॉइंट ऑफ सेपरेशन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसीड करेगा। एज दे विल प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, कौन सा शेप है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर
Y-shaped structure appear? Y-shaped structure appear, and this Y-shaped structure is called, इसी को हम replication fork बोलते हैं, क्योंकि ये Y-shaped structure तब बना है जब replication हो रहा है. Cool. It's called replication fork. तो अगर आपको नीट ने पूछा कि एक ओरिजिन पे कितने replication fork बन सकते हैं, तो आपको जवाब देना है 2 replication fork, एक right side में और एक left side में. Superb. आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर. और मैंने ये पर्टिकुलर स्टेप फॉर अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अगले वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ स्टेप और फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप, ये बाकी के जो बचे हुए 3 स्टेप्स हैं वो हम उसमें कवर करेंगे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको समझ में आया. इन केस आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको अब तक आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको जरूर वीडियो पसंद आया हुआ है, तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर नोट्स बना के MCQ सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें. जय हिंद.